तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक फॉर। तो फ्रेंड, क्रोम ब्राउजर में आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो और वहाँ पे जो है इमेज पे लॉन्ग प्रेस करते हो तो उस समय ये ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस ऑप्शन का क्या यूज़ है यही बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर दो तीन इमेज दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूँगा। तो ये देख लीजिए, ये ऑप्शन आ चुका है सर्च इमेज विथ गूगल लेंस। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, गूगल पे इमेज सर्च का ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे आए क्रोम ब्राउजर पे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, गूगल लेंस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप इमेज सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आप इमेज सर्च कर सकते हैं। तो अभी ये जो फैसिलिटी है यहीं पर दे दिया गया है, इसके लिए आपको फ़ोटो को डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, तो जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे हैं और वहाँ पे कोई इमेज के बारे में आपको जानना है तो उसी समय आप उस इमेज पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है आपको सर्च कर देना है गूगल लेंस के थ्रू। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये इमेज है और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देख लीजिए, गूगल लेंस के थ्रू जो है ये इमेज सर्च हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये सर्च हो चुका है। तो इस इमेज के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ गूगल लेंस के थ्रू आप जान सकते हैं। तो पहले क्या था कि आपको इस इमेज को डाउनलोड करना पड़ता, फिर आपको जो है गूगल में इमेज के थ्रू सर्च करना पड़ता, लेकिन अभी आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके डायरेक्ट जो है गूगल लेंस पर सर्च कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज़ यही है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए